आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वो इस देश की एक जो नेशन बिल्डिंग जो इकाई है वो है, और देश की जो हिफाजत है चाहे सरहदों पे हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां सेना हमेशा तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे अभी फिलहाल का आप वाक्य देखिए कि एक मुख्यमंत्री की डेथ हो गई और उसके अंतिम संस्कार में आप सेना को यूज कर रहे हैं। नो, इस देश के अंदर 30 राज्य हैं, 6-7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके गवर्नर हैं, तो कल को तो फिर एक रूटीन बन जाएगा, जब भी किसी की डेथ होगी तो क्या फिर आप सेना को यूज करोगे? नो, दिस इज बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। नो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर देश के किसी पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई जो टॉप जो लोग हैं वहां पे होता है, आर्मी विल बी देयर। सेना का काम है सरहदों की हिफाजत करना, और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए, चाहे दंगे हो रहे हों, चाहे बाढ़ आ रही हो, जहां पे ऐसा लगे कि अब पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं होने वाला है, सेना हमेशा तैयार खड़ी है और उस काम को सही ढंग से अंजाम भी देगी। लेकिन जिस ढंग से सेना को एक मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में आप यूज कर रहे हो, कल को आप किसी सड़क पे आप ट्रैफिक ड्यूटी लगा दोगे, ये तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा मानना है कि एक आर्मी की जो ड्यूटीज है उनके साथ खिलवाड़ है। जो भी आदमी जहां पे बैठे हैं जो ऐसे डिसीजन लेते हैं, शायद उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या सोच के ये डिसीजन लिया। क्या राजनीति को आप अलग नहीं रख सकते सेना से? आप देखिए कि जब स्वच्छ भारत की बात आती है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कंटोनमेंट आप जाके देखिए। स्वच्छ भारत तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शुरू किया, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कैंट तो हमेशा से ही साफ सुथरे रहे हैं। और कैंट से एक चीज मुझे और ध्यान में आई कि आपने कैंट आम जनता के लिए खोल दिए। क्या कोई म्यूजियम है? नहीं, वहां पे सैनिकों के परिवार रहते हैं, वहां पे देश के वो सारे हथियार हैं, टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, सब चीजें हैं वहां पे। अगर जो सैनिक बॉर्डर पे है उसका परिवार वहां पे है और लोग आ जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो सारी खुफिया जानकारी, अगर आप यही चाहते हैं तो फिर खोल के रखिए ना, फिर तो कैंट रखने की जरूरत ही क्या है? आप उनको एक किराया दीजिए महीने का, वो आम जनता के बीच में रहने लग जाएंगे। जब कैंट बनाए गए थे शहरों के बाहर बनाए गए थे, लेकिन जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या जो एमसीडीज हैं, उन्होंने पैसे खा खा के लोगों को पट्टे दे दिए, मकान बनवा दिए, चारों तरफ से कैंट को घेर दिया। अब लोगों को बीच से रास्ता चाहिए क्योंकि वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं चल सकते। और जब अंदर आते हैं तो सेना की जो टाइल, साइकिल, बाइसिकल, जो भी चीज मिलता है उसको तोड़ के ले जाते हैं। उनके परिवारों की कोई सेफ्टी नहीं बची है। तो बंदा वहां लड़ेगा या अपने परिवार की चिंता करेगा? कुछ वोटों के लिए हम किसी के प्रेशर पे नहीं आ सकते। हमें उन लोगों को भरोसा देना होगा जो सरहद पे लड़ रहे हैं कि आपका परिवार पीछे महफूज है। और फिर जब कश्मीर में पैलेट गन चलती है और अपने साथियों की बचाव में अगर हमारे किसी साथी ने जो पत्थर मार रहे हैं उस पर गोली चला दी, आप उनके ऊपर केस कर रहे हो। मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी आदमी ऐसा डिसीजन ले रहा है उनको एक बार पूछिए कि क्या आपका बेटा या आपकी बेटी उस मेजर आदित्य की जगह हो या मेजर गोगोई की जगह हो। ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलना, बड़े बड़े डिसीजन लेना कि लोगों के मानवाधिकार, सैनिकों के भी मानवाधिकार होते हैं। जब वो बंदा वहां लड़ रहा है, और मैं आज कह रहा हूं कि अगर मेरे साथी मेरे साथ लड़ रहे हैं, खड़े हैं, और कोई उनको पत्थरों से मार रहा है, तो मैं कब तक चुप बैठूंगा? मुझे जवाब देना है मेरी टीम को, मेरे साथियों को, उनके परिवार वालों को। और पत्थर मारने वाले देशभक्त लोग नहीं है, पत्थर मारने वाले लोग जिम्मेदार नागरिक नहीं है, पत्थर मारने वाले लोग आईएसआई के पैसों पे पलने वाले वो ये हुर्रियत के 2 कोड़ी के जो गुंडे हैं, गिलानी विलानी, और जो कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं उनके इशारों पे काम करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए आपके दिलों में इतनी रहम है? और पैलेट गन क्या किसी के घर में जाके मारी है क्या? आप बोल रहे हैं कि 4 साल के बच्चे को मार दी। सेना कभी भी बिना पुलिस के किसी के घर में आज तक गई नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कश्मीर का, 5 साल का। लेकिन आप बच्चे को सामने क्या वहां दूध पिलाने लेके आ रहे हैं सेना के सामने? 5 साल का बच्चा है तो स्कूल में होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। फिर कह रहे हैं पैलेट गन लग गई, आंख में लग गई। जब बाहर
आरक्षण के आंदोलन होते हैं, आपने देखा हरियाणा में लोगों पे ब्लूट चली है, वो कोई बाबर था राम रहीम समथिंग, जब उसके खिलाफ जब बात चल रहा था तो लोगों पे 7.62 गोलियां चली हैं भाई। और कश्मीर में आपको मानवाधिकारों की याद आती है, मानवाधिकारों का सेना भी इज्जत करता है, लेकिन जहां अगर कोई सैनिक किसी शरीफ इंसान आराम से जो काम कर रहा है उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो सेना उनके ऊपर एक्शन करती है, और होना भी चाहिए। आर्मी इज नॉट अबव द लॉ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जब वहां पे हमारे साथियों पे गोलियां चल रही हैं, हमारे साथियों पे पत्थर मारे जा रहे हैं और वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, मैं लोगों को बोल रहा हूं जो ये मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं और जो पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं, आप आके उस गाड़ी में, इन पत्रकारों को भी बोल रहा हूं जो उनका साथ दे रहे हैं, आप आके उस गाड़ी में सिर्फ 40 सेकंड बैठ जाइए, जिंदगी में दोबारा ना आप कभी मानवाधिकारों की बात नहीं करेंगे, अंटी अनलेस कि आपको कोई चाइना या पाकिस्तान या किसी बड़ी फॉरेन कंट्री से कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं मिल रहा, आपका जो दिल अंदर से आवाजें करने लग जाएगा। ये तो वो सैनिक हैं जो सब कुछ छोड़ के इन हरामखोरों से लड़ रहे हैं, इनका कोई कोई मजहब नहीं है, कोई देश नहीं है, वो कोई जॉब के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, वो कोई इंप्लॉयमेंट के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, वो कोई नौकरियों के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, वो कोई अन्याय के खिलाफ थोड़ा लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए। भैया आजादी मिल चुकी है 1947 में, इसके बाद में कोई आजादी की बात नहीं है, इसके बाद में आप अपने विकास की बात कीजिए, अपने जो जायज हक हैं उनकी बात कीजिए, लेकिन उनके साथ आपके कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। आप देश की सबसे बड़ी जो संस्था है सेना, सबसे ईमानदार संस्था है जो सेना, उसके साथ आप इस ढंग से पेश नहीं आ सकते हैं। अगर आप पत्थर मारेंगे तो आपको ये क्लियर मैसेज पता होना चाहिए कि आप भुगतेंगे। अगर किसी सैनिक की जान जा रही होगी तो वहां जो खड़ा सैनिक है या उसका कमांडर है, ही विल हिट यू, और मजाक के लिए हिट नहीं करेगा, ही विल हिट यू टू किल यू, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आपके जैसे पत्थरबाज जो आतंकवादियों के भेष में पत्थरबाज बने हुए हैं वो सेना का नुकसान पहुंचाएं और आम जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको डिस्टर्ब करें। जो मैंने सेना में सीखा है और जो मेरे अंदर है, मैं सिर्फ वही बता सकता हूं कि हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे ऊपर है, कंट्री इज अबव ऑल। जो भी मेरा फेथ है, चाहे मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख है, ईसाई, चाहे मैं जो भी जिस भी जात धर्म क्षेत्र से हूं, वो मेरे घर तक है। जिस समय मैं मेरे घर की दहलीज से बाहर निकलता हूं तो मेरी पहचान इस देश का झंडा है, ये देश है। आइडियल इंडियन वो है जो हर वक्त इस देश में अगर कुछ भी खराब हो रहा हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म मजहब क्षेत्र भाषा के, मर्द औरत बच्चे किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा हो, तो उसके लिए अपनी आवाज उठाए, उसका साथ दे, ये मेरा मानना है। और अपनी जिंदगी में वो सकारात्मक कार्य करे, चाहे छोटे स्तर पे ही करे, जिससे समाज देश और देश के व्यक्तियों का भला हो और इस देश का गौरव बढ़े और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा सुंदर और एक गौरवशाली भारत मिले। मैं चाहता हूं कि वैसा व्यक्ति, वैसा छात्र, वैसी छात्रा, वैसा इंसान, वैसा मर्द, वैसी औरत, वो मेरी नज़र में सारे आइडियल इंडियन हैं।